ओवरहेड में दो पार्ट है, एक है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड और दूसरा है मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट जिसको हम लोग एम एच आर बोलते हैं, मशीन आवर रेट। सिंपल वर्ड में हम लोग क्या बोलेंगे, मशीन आवर रेट का मतलब क्या हुआ, एक घंटा जो मशीन चलेगा, अगर मशीन चलता है 8 घंटा चलाते हैं अगर आप, तो एक घंटे का रेट क्या आता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मशीन आवर रेट। मतलब हर वक्त आपको दिमाग में बिठाना है कि एक घंटे का रेट हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मशीन आवर रेट के बारे में पहले 2 लाइन लिख लीजिए। मशीन आवर रेट मींस द कॉस्ट और एक्सपेंसेस इन रनिंग अ मशीन फॉर 1 आवर। तो सिंपल हो गया कि मशीन आवर रेट मींस द कॉस्ट और एक्सपेंस, जो हम लोग एक्सपेंस करते हैं या जो कॉस्ट लगता है इन रनिंग अ मशीन फॉर 1 आवर, एक घंटा रनिंग करने में जो खर्च आते हैं। अब देखो मशीन जो है वो दो तरह से होगा, मशीन आवर रेट एक घंटे का रेट निकाल रहे हैं हम लोग, दो तरह से निकलेगा। किसी भी तरह के एक्सपेंस, दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड, मशीन चलाओ या नहीं चलाओ वो तो खर्च होना ही है, और एक वेरिएबल, मशीन चलेगा तब खर्च होगा नहीं तो नहीं होगा। यही अगर ये चैप्टर बढ़िया से आप करते हो तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे सेम यही है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। लेकिन अभी हम लोग ओवरहेड में कर रहे हैं मशीन आवर रेट, मशीन का एक घंटे का रेट निकालना है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया खर्च कितने तरह के होते हैं, दो, वेरिएबल और फिक्स्ड, तो उसका यहां पर आप लिख लीजिए। चलिए फटाफट लिखिए, एम एच आर एक खर्च होगा फिक्स्ड, जिसको हम लोग स्टैंडिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं, इसके अंदर आएगा रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस सुपरविजन एक्सपेंस इलेक्ट्रिक, ये सारे फिक्स्ड के अंदर आते हैं। बहुत कुछ है, बस आप यहां तक लिख लीजिए। दूसरा वेरिएबल एक्सपेंस, जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे डिप्रिसिएशन, रिपेयर्स पावर। देखो अभी आपने देखा कि आपको एक घंटे का रेट निकालना है एंड मशीन आवर रेट, जब आप निकालोगे तो मशीन के ऊपर दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, फर्स्ट फिक्स्ड या स्टैंडिंग, जो मशीन चले या नहीं चले उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे रेंट, आपने एक जगह लिया है, एक मशीन लगाया या दो मशीन या तीन मशीन है, अगर आप मशीन चलाते हो या नहीं चलाते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रेंट देना पड़ेगा। रेट्स का मतलब टैक्सेस ही होता है,
अगर आपने इंश्योरेंस करा के रखा है तो इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर सुपरवाइजर है आके सुपरविजन करेगा मशीन चले या नहीं चले। इलेक्ट्रिक आपको जलाना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक और पावर में फर्क है। पावर जिससे मशीन चलता है और इलेक्ट्रिक जिससे हम लोग लाइटिंग करते हैं। वेरिएबल वेरी करेगा, यानी जिसको मशीन एक्सपेंस भी बोलते हैं। डिप्रिसिएशन, मशीन अगर जल्दी चलेगा ज्यादा चलेगा तो मशीन का डिप्रिसिएशन ज्यादा होगा, रिपेयर ज्यादा लगेंगे। पावर, अगर मशीन चलेगा तो पावर लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो ये तो अभी आपने देखा कि क्या फिक्स्ड एक्सपेंस और किसको वेरिएबल एक्सपेंस बोलते हैं। बट इसी के साथ कुछ एक दो बात और भी देख लीजिए, मिटा दें इसको। हेडिंग दीजिए कॉमन एक्सपेंस। कॉमन एक्सपेंसेस, देखिए अभी कॉन्सेप्ट क्या है, बढ़िया से समझें। अभी जितने भी मशीन हैं सब कॉम्पैक्ट हो गया है, बड़े बड़े मशीन नहीं लगते हैं। जैसे पहले अगर प्रिंटिंग का कोई बिजनेस करता था तो उसके लिए प्रिंटिंग मशीन अलग है, ऑफिस अलग है। अभी क्या देखते हैं आप, ये ऑफिस आगे की तरफ खोल के रखा है और पीछे बोलता है वर्क्स है, मतलब पीछे मशीन लगा हुआ है, काम हो रहा है पीछे। आप बाहर में क्या करके रखें, ऑफिस करके रखें। अब मान लीजिए ये पूरा जगह अगर आपने रेंट में लिया है, ये पूरा का पूरा, तो रेंट एक कॉमन एक्सपेंस हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये 1/4 में है ऑफिस और 3/4 में अगर आपने वर्क्स बना के रखा है, मशीन वहां पर है, अगर रेंट 10,000 पर मंथ है तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे, हम यहां पर क्या निकाल रहे हैं, मशीन आवर रेट, मशीन का एक घंटे का रेट। अगर रेंट आप पूरा 10,000 ले लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। हमको मशीन का एक घंटे का रेट निकालना है, ना कि ऑफिस का। इसीलिए इस पोर्शन को देखेंगे जहां पर वर्क्स है, जहां पर आपका मशीन है। इसलिए 10,000 का 3/4 लेंगे 7,500। तो रेंट कॉमन हो गया। अब बोलेंगे सर हम लोग को कैसे पता चलेगा, सारे एक्सपेंस दिए रहेंगे, नीचे में आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि मशीन पूरा जो है उसमें मशीन कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, बता देगा। ऐसे भी बता सकता है टोटल 600 स्क्वायर फीट है, 450 स्क्वायर में मशीन है, ऐसे भी बोल सकता है, स्पेस को लेके एकदम डायरेक्ट बोल सकता है। या फिर ऐसे भी बोल सकता है कि मशीन ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द एरिया ऑफ द शो, 3/4, 1/4, ऐसे करके बता देगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। इलेक्ट्रिक लाइटिंग यहां पर भी हो रहा है, लाइटिंग यहां पर भी हो रहा है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक का बिल 1,000 पर मंथ आया तो बोलेंगे सर हमको ऐसे कैसे बांटेंगे। अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो एरिया के ऊपर ही ध्यान में रख के हम लोग बांट देंगे, यानी 1,000 का हम लोग 3/4 ले लेंगे, यहां पर आ जाएगा 750 एंड 1/4 ऑफिस के लिए आ जाएगा। बट आप देखेंगे मैक्सिमम क्या बोलता है, आपको बोलेगा इलेक्ट्रिक, देख रहे हैं ना लाइट पॉइंट, इसको एक पॉइंट बोला जाता है। ये सब क्या होते हैं, एक पॉइंट होते हैं। आपको बता देगा पूरा ये जो जगह है उसमें 20 पॉइंट्स हैं, कितने 20, और बोल देगा 20 में से ऑफिस में 10 पॉइंट है, यानी हाफ हाफ हो गया। 10 पॉइंट्स ऑफिस में है तो मतलब 10 पॉइंट्स वर्क्स में है, तो मेरा क्या हो गया 1:1, यानी हम लोग 500 पर मंथ इलेक्ट्रिक लेंगे। 500 रुपया हो गया ऑफिस के लिए, 500 रुपया हो गया जहां मशीन लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना। सुपरवाइजर सेम बात है, सुपरविजन, सुपरवाइजर का काम क्या है, सुपरविजन करना, वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो ऑफिस में भी लोग बैठे हुए हैं, वहां भी देखेगा यहां भी देखेगा। अगर मान लीजिए सुपरवाइजर का सैलरी 12,000 पर मंथ है और आपको बोल दिया कि सुपरवाइजर जो है 1/3 अपना टाइम ऑफिस में दे रहा है, तो ऑफिस का कितना हो जाएगा, 1/3 4,000, यानी 1 - 1/3। तो अगर हम मशीन के लिए निकालेंगे तो कितना लेंगे, 8,000, ठीक है ना। तो आपको सारा इंफॉर्मेशन दे देगा, आपको टेंशन लेने का नहीं है, सम्स में सारे के सारे दिए रहेंगे। क्लियर हुआ यहां तक कॉमन एक्सपेंस। कॉमन एक्सपेंस तो हो ही सकता है ना, अगर आप एक ही जगह में
ऑफिस भी रखे हैं और वर्क्स भी रखे हैं तो कॉमन एक्सपेंस तो होगा ही होगा, रेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिक हो सकता है, और भी कुछ होगा तो बताएगा, ठीक है। इसको कॉपी करिए, अगर बोल दिया इंश्योरेंस फॉर द मशीन फोर FOR प्रीपोजिशन है तो देखेंगे वन मशीन के लिए ये डिनोट करेगा, और अगर ऑफ बोल दिया तो होल सोप के लिए बोलेगा, रेंट ऑफ द सोप, रेंट ऑफ द सोप इसका मतलब क्या हुआ, पूरे ये जो जगह है, ये जो शॉप है, ये जो दुकान है, वो टोटल का रेंट 10,000, ये ध्यान रखेंगे, ये वर्ड के ऊपर फोकस डालेंगे, मिटा दें। कभी कभी आप देखेंगे जो मशीन आवर रेट आपको बोलता है वहां पर आपको कॉम्प्रीहेंसिव मशीन आवर रेट भी बोल सकता है, क्या बोल सकता है, कॉम्प्रीहेंसिव। अब सम्स बनाने के पहले कुछ बात को बढ़िया से समझो, मशीन आवर रेट कॉन्सेप्ट को आप समझिए। अभी तक तो आप लिख रहे थे मशीन आवर रेट किसको बोलते हैं, एक्सपेंस कितने तरह के होते हैं, निकालेंगे कैसे उसको जरा ध्यान से देखिए। आपको अगर बोल दिया कि मशीन जो है वर्क कर रहा है 1000 आवर्स पर एनम, मशीन 1000 आवर्स पर एनम चल रहा है, ओके, और आपको रेंट दे दिया मान लीजिए 2000 पर एनम, आपको निकालना क्या है, एक घंटे का एनम का निकालना है क्या, नहीं, हमको यहां पर देख रहे हैं आपको एक टारगेट दिया है कि मशीन कितना चल रहा है, तो 1000 आवर पर एनम चल रहा है, 1000 घंटा एक साल में, और हमको रेंट दे दिया नीचे में 2000 पर एनम 2000 रुपया, तो एक घंटे का कितना होगा बताइए, नहीं देखो वेरी सिंपल, अगर हम बोलेंगे पर आवर कितना होगा तो आप आराम से बता सकते हैं, 2000 रुपया हम लोग दे रहे हैं और 1000 घंटा चल रहा है, 2 रुपया पर घंटा हुआ कि नहीं, काफी आसान है। मान लीजिए डिप्रिसिएशन, बोलेगा 10,000 का आपने मशीन खरीदा है, 2000 इंस्टॉलेशन लगा, याद है ना मशीन के साथ इंस्टॉलेशन को प्लस करते हैं, बोलेगा आफ्टर 10 ईयर्स इसका स्क्रैप वैल्यू 3000 होगा आफ्टर 10 ईयर्स, तो डिप्रिसिएशन नहीं निकलेगा, 10,000 का मशीन 2000 इंस्टॉलेशन 12,000, 10 साल के बाद इसको हम कितना में बेचेंगे 3000 में, तो हो गया 9000 डिवाइडेड बाय 10, आप लिखे सर 10 क्यों लिख रहे हैं, यहां तो बोला है ना आफ्टर 10 ईयर्स मतलब इसका लाइफ 10 साल है, तो हमारा 900 पर एनम एक साल का निकलता है ना डिप्रिसिएशन, एक साल में डिप्रिसिएशन कितना निकला आपको 900 रुपया पर एनम, एक साल का डिप्रिसिएशन निकला, क्या एक साल का डिप्रिसिएशन आपको चाहिए, नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, एक घंटे का, क्या चाहिए, एक घंटे का, क्योंकि आप यहां लिख रहे हो मशीन आवर रेट, एक घंटे का रेट, तो एक घंटे का कितना होगा बोलो, अगर हम बोलेंगे बताओ पर आवर कितना होगा, तो आप लिखेंगे 900 पर एनम हुआ, और एक साल में मशीन कितना चल रहा है 1000 आवर, इसका मतलब 900 वेरी सिंपल डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 0.990 पैसा, यानी अगर मशीन एक घंटा चला तो 90 पैसा डिप्रिसिएशन होगा, है कि नहीं, आ रहा है बात समझ में पक्का, तो चलिए फिर अगर आपको आ रहा है
तो हमको जरा दो बात बताइए ना, बड़ा खुशी होगा आप इतना मन लगा के सीख रहे हैं। देखो अगर हम बोलेंगे ये रहने देते हैं, अभी 1000 को थोड़ा 2000 कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी हमने क्या किया, 1000 को 2000 कर दिया। रिपेयर्स दिया हुआ है 1000 पर मंथ, रिपेयर्स 1000 पर मंथ दिया है। आप बताइए एक घंटे का कितना होगा, पर मंथ है यहां, बट यहां पर एनम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पर एनम में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। यानी अगर मंथ में अगर कोई दिया रहे बट मेरा टारगेट अगर एनम में है तो इंटू 12 करके हम लोग पहले उसको एनम में ले जाएंगे। और अगर मान लीजिए यहां पर हमको अगर मंथ में दिया रहता और कोई खर्चा एनम में है तो 12 से डिवाइड करके मंथ में आ जाएंगे। मतलब अपना सुविधा देख लीजिए कहां से आपका हो सकता है। ये 1000 पर मंथ है बट यहां एनम में है तो इंटू 12 करेंगे तो 12000 रुपया हमारा रिपेयर्स हो गया पर एनम। हमको पर एनम नहीं चाहिए, हमको चाहिए एक घंटे का। क्या चाहिए, एक घंटे का। इसलिए पर आवर अगर हम बोलेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ये आप 12000 रुपये को, ये क्योंकि रुपया में दिया हुआ है, आप 2000 घंटे से डिवाइड करोगे तो देखो 12000 डिवाइडेड बाय 2 6 रुपीज पर आवर हो गया, ठीक है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, है ना। हम यहां लिख रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पर क्वार्टर रुपीज 2000। इंश्योरेंस प्रीमियम पर क्वार्टर आपको दिया हुआ है कितना, 2000। हमको एक घंटे का रेट जरा बताइए ना। पहले हम लोग 4 से इंटू करेंगे, ये पर क्वार्टर है तो पर एनम लाने के लिए ये 2000 इंटू 4 करेंगे तो हो गया ये 8000 रुपया। ये 8000 रुपया हो गया पर एनम एक साल का। अरे एक साल का थोड़ा ना चाहिए हमको, हमको चाहिए क्या, पर आवर। तो ये 8000 रुपये को डिवाइडेड बाई 2000 आवर्स करेंगे तो कितना करके हो जाएगा, और यानी एक घंटा मशीन चला कि 4 रुपये का इंश्योरेंस लग गया। आ रहा है बात समझ में कि एक घंटे का निकालना है। एक घंटे के लिए निकालने के लिए अगर यहां पर अगर एनम है, अगर कोई खर्च एनम में दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर एनम में नहीं दिया है मंथ में दिया है तो इंटू 12 करके वहां एनम में पहुंच जाइए। क्वार्टर अगर दिया है तो इंटू आप वहां पर 4 कर दीजिए। एक चीज और भी पूछ लेते हैं क्योंकि यहीं समझ जाएंगे ना तो वहां कोई खास बात नहीं है। मान लीजिए यहां पर एनम दिया है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा लग रहा है आपको कि एनम दिया हुआ है और आपको एक जगह दे दिया कि सन्ड्रीज एक्सपेंस ₹8 है, ₹8 पर डे फॉर 6 आवर्स। कहीं से भी हमको मिल जाना चाहिए, वहीं से हम एक घंटे का निकाल लेंगे तो बताइए क्या करेंगे। देखो उतना लंबा में मत जाओ, हर हालत में ना शॉर्ट में चलिए। हम लोग कॉमर्स पढ़ते हैं, ठीक है, और बिजनेसमैन लंबा नहीं भागता है, वो कोई भी चीज को क्विक सॉल्व करता है। देखो 8 रुपया लग रहा है एक दिन का, कितने घंटे का, अरे तो हम 8 रुपया को 6 घंटे से डिवाइड कर देंगे सिंपली, हम क्यों बेकार में वहां जाएंगे। कुछ चीजें ऐसे रहेंगे जिसके लिए अगर आप वहां जाएंगे तो बोलिए आपको कितना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उतना कैलकुलेशन करके फायदा क्या है। तो अगर हम बोलेंगे पर आवर कितना होगा तो 8 रुपये को 6 घंटे से डिवाइड कर दो, 1.33। बोलो कोई प्रॉब्लम, लास्ट एक तो पूछेंगे ही पूछेंगे, पावर के लिए एक बार बात कर लेते हैं।
कॉस्ट ऑफ पावर, कॉस्ट ऑफ पावर रुपीज 500 फॉर 100 यूनिट्स, 100 यूनिट का 500 रुपया लगता है। कॉस्ट ऑफ पावर रुपीज 500 फॉर 100 यूनिट्स, मशीन कंज्यूम 10 यूनिट्स पर आवर, और मशीन 10 यूनिट्स एक घंटे में, एक घंटा मशीन चलाइएगा ना तो 10 यूनिट उठता है, तो हमको चाहिए वही पर आवर चाहिए। तो जरा आप बताएंगे कॉस्ट ऑफ पावर कितना लेंगे आप, कैसे करेंगे बोलिए। 500 रुपया में कोई चीज आपको 100 यूनिट मिल रहा है तो एक यूनिट का दाम कितना हुआ, 5 रुपया। देखिए 500 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 5 रुपया पर यूनिट हुआ। और कितने यूनिट आपको एक घंटे में लग रहा है, इनटू 10 यूनिट्स, 5 रुपया एक यूनिट का, तो 10 यूनिट का कितना हो गया, 50 रुपया। तो पावर हो गया 50 रुपया। एक घंटा मशीन चला कि पावर का बिल कितना आ जाएगा, 50 रुपया। अब मेरे हिसाब से कि हम एग्जाम्पल देके जब आपको समझाएं तो आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा। मेनली शॉर्टकट में एक बात को समझ लीजिए कि अगर यहां पर एनम है, कोई भी खर्चा अगर क्वार्टर में और मंथ में देगा तो आप एनम में पहुंचिए। अगर कोई पर डे में देता और ये 6 आवर्स नहीं लिखता तब हम इसको भी एनम में पहुंचते, या तो 360, एक साल में कितना दिन होता है 365, तो 8 रुपया इंटू 365 से इंटू करके वहां पहुंच जाते और एक नोट पुट करते हम लोग कि टोटल 365 दिन आपका मशीन चल रहा है। बट जनरली 360 लेता है लोग, कितना लेता है 360 लेता है। बट हम लोग तो अगर कुछ नहीं इंफॉर्मेशन दिया तो 360 थोड़ो ना लेंगे, हम तो एनम में जा रहे हैं तो 365 भी करेंगे। हाँ अगर इंफॉर्मेशन दे दिया कि मशीन 360 दिन चल रहा है तो हम लोग उसको 360 से इंटू करके ये अमाउंट में जाएंगे, और एक साल में मशीन कितना चल रहा है दे ही दिया है। ओके तो अगर यहां 6 आवर्स नहीं देता तो हम वो प्रोसेस को अप्लाई करते। वीकली में भी देता तो हम लोग एनुअल में जाते, एक साल में कितना वीक, तो 52 से इंटू करके पहुंच जाते, पहुंचते कि नहीं। बट यहां पर देखिए अगर यहां 6 आवर्स दे दिया तो उतना लंबा प्रोसेस में क्यों जाएंगे। बहुत सारे बुक में देखेंगे या बहुत जगह क्या सिखाया जाता है, पावर का पूरा एक साल का निकालो वहां रख दो, क्या दरकार है जब हमारा यहां से निकल जा रहा है तो उतना लंबा लफड़ा करने का। ओके बात समझ में आ गया, अब हम लोग सम शुरू करेंगे।